महाराष्ट्र विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले दिन शनिवार को विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर वॉकआउट किया। इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष को महाराष्ट्र की जनता ने जो साफ बहुमत दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। हमारी 2.5 साल की महायुति की सरकार ने इतना काम किया है, इतनी योजनाओं को लागू किया है, जिसका परिणाम ये आया है। हमारी सरकार ने इतने ऐतिहासिक काम किए हैं जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अभी झारखंड में चुनाव हुआ, वायनाड में चुनाव हुआ, जहां जहां उनकी जीत होती है तो ईवीएम अच्छा है। यह पिछले कई सालों से जारी है। लोकसभा में महायुति को 43.55% वोट मिले और महाविकास अघाड़ी को 43.71% वोट मिले। केवल कुछ बिंदु का फर्क है, लेकिन हमें 17 सीटें और उन्हें 31 सीटें मिली। तब उन्होंने ईवीएम के घोटाले की बात नहीं उठाई। बहुमत का विपक्ष को स्वागत करना चाहिए और इस राज्य के विकास में सहयोग करना चाहिए। कल महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने ईवीएम के घोटाले का हवाला देते हुए शपथ नहीं ली, लेकिन आज शपथ ले ली तो क्या आज से ईवीएम का घोटाला खत्म हो गया? मैं इतना ही कहूंगा विपक्ष को, ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। एक पॉजिटिव उनका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि हमारे 2.5 साल के महायुति सरकार ने इतना काम किया है, इतनी योजनाओं को लागू किया है, इतने प्रकल्प को आगे बढ़ाया है, और इसीलिए उसका परिपाक ये है। ये मैंने पहले ही कहा था, मैं, देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम हर सभा में यही कहते थे कि हमने जो 2.5 साल में इतना ऐतिहासिक काम किया है कि इसकी स्वर्ण अक्षरों में इसका लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में। क्योंकि एक तरफ जो विकास के प्रकल्प बंद थे वो हमने शुरू कर दिए, दूसरी तरफ लोक कल्याणकारी योजनाएं हमने शुरू कर दी, और उसमें हर घटक को लिया है, लाडली बहना से लेके लाडले भाई से लेके लाडले किसान से लेके लाडले ज्येष्ठ से लेके सभी लोगों को उसमें सरकार ने योगदान उनका देखकर सहयोग किया है। और इसीलिए मैं ये इतना ही कहूंगा कि उनका जो अभी झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ, ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है, उनकी जीत होती है, उनके बाजू से निकाल होता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय अच्छे होते हैं, उनके बाजू से अगर फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है। अगर सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा गलत हो जाती है, गलत उसको साबित किया जाता है। ये पिछले कई सालों से शुरू है, इसको भी बंद करना चाहिए रोना धोना। ये जो आज मैं कहूंगा कि लोकसभा में हमें महायुति के 2,48,12,000 वोट मिले और 43.55% वोट मिले, और महाविकास आघाड़ी को 50 लाख मिले, 43.71, मीन्स पॉइंट का फर्क है, कुछ पॉइंट का फर्क है, लेकिन हमें जगह मिली 17 और उनको मिली 31, तब हम क्या कहेंगे? तभी ईवीएम का घोटाला नहीं कहा उन्होंने।